हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, वो मैं पक्का से आप लोगों को दिखाऊंगी। आई कुड गो ऐसो कोई डियो ओए मुखन ले गो ऐसो के लिए क्लास एटे हेक तिथि तिथि हेक वा एकदम डांगर मेला पतिते तते गोई आसो। आरो मेला तो नाम की जो किंदो कोई एंड यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा फ्लैग्स लगा हुआ है, ये एक्चुअली वेलकम के लिए है। एंड यहाँ पे जो गेट देख रहा होगा आप लोग को, ये वेलकमिंग गेट है। यहाँ से हम लोग जाएंगे वो फेस्टिवल पे। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि गाड़ी को पार्किंग एरिया पे रख के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, तो थोड़ा मतलब हम लोग को चल के जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर पे रखना होगा गाड़ी को। तो चलिए फिर देखते हैं कहाँ पर क्या रखना होगा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और यही है पार्किंग एरिया जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करना होता है। ज़्यादा क्राउड नहीं है, अच्छा ही है, धीरे धीरे आएंगे लोग। एंड यहाँ से हम लोग को चल के जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी तो हम लोग लेके जा नहीं सकते, वो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया था। तो नानी, राहुल, मम्मी, हम लोग सभी साथ ही जा रहे हैं। एंड हम लोग के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। एंड वही वो मॉनेस्ट्री है जहाँ पे रिचुअल्स वगैरह होता है। एंड बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। एंड आज मैं पहली बार ये फेस्टिवल देखने के लिए आई हूँ। यहाँ पे 37th एनुअल पोइकांतो संघा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे एंड ये मैं पहली बार देख रही हूँ। एंड अभी तक अच्छे से देखा नहीं, जैसे आई हूँ, मतलब नानी तो ऐसे आ चुकी है बट मैं पहली बार आई हूँ। तो चलिए फिर लेके जाती हूँ वो मंदिर दिखाने के लिए आप लोगों को। एंड यहाँ से एंट्री होते हैं, हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू है, वो रहा मंदिर। एंड नानी जा रही है आगे आगे। और यहाँ फ्लैग को देख सकते हो अच्छे से, ये रास्ते में भी था, ये हाथ से बनाया जाता है। एंड यहाँ पे भी चारों तरफ फ्लैग्स ही फ्लैग्स है, एक्चुअली वो लोग का ट्रेडिशनल फ्लैग्स है ये। एंड ये रहा मॉनेस्ट्री का इनसाइड व्यू जहाँ पे नानी बात कर रही है, मम्मी भी बात कर रही है। एंड धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। एंड यहाँ पे भी फ्लैग्स चारों तरफ आप लोग ने देखा ही होगा, ये हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है, ये भी एक फ्लैग है। एंड ये है लैंटर्स जो कि रिचुअल के टाइम में यूज़ होता है, बहुत सारा आप लोग ने लैंटर्स दिख रहा होगा। एंड अभी मैं मॉनेस्ट्री से निकल के जहाँ पे ये 37th एनुअल पोइकांतो सेलिब्रेशन होगा, मैं वहाँ पे जाऊँगी वो फील्ड पे, मतलब वो ग्राउंड पे। तो चलिए फिर। एंड मैंने भांति के साथ एक दो फ़ोटो खींची थी धर्मगुरु के साथ, एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। एंड यही है वो ग्राउंड जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, आप लोग ने देखा ही होगा बहुत ही क्राउड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे वो 37th एनुअल पोइकांतो फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। हाँ।
एंड नानी जो है अभी पतेसा में पैसे को हैंग करेंगे, ये एक रिचुअल होता है एंड ये पैसे अच्छे कामों में यूज़ होता है, मंदिर के लिए है। यहाँ पे नानी जो है अभी हैंग कर रही है, मेरे को भी सिखा रही है कैसे करते। नानी के बाद मैं करूँगी एंड ये फर्स्ट टाइम है, अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे मैंने मतलब मैं लगा रही हूँ एंड आई होप मेरा जो मैंने जो मन्नत मांगा है फुलफिल हो। बहुत ही अच्छा फील हुआ था उस टाइम। एंड यहाँ आप देख सकते हो नानी बहुत खुश है क्योंकि नानी को अपनी दोस्त मिल गई है एंड मैंने भी कैमरा निकाल के शूट करना शुरू कर दिया है। नानी का एक्साइटमेंट देख के अच्छा भी फील हो रहा है। एंड ये फेस्टिवल में जहाँ पे फेस्टिवल होगा पता ही आप लोग को, दुकान वगैरह होता है एंड ये रहा जो भी है ट्रेडिशनल चीज़ें भी यहाँ पे बिक रही है एंड खाना वगैरह सब कुछ, ये पूरा एरिया यहाँ पे दुकान है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है, गाले बहुत ही सुंदर है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है आप देख सकते हो। फाइनली देख के हो गया एंड अभी हम घर जा रहे हैं। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।